बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं आज शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। जल्द से जल्द आप लोगों तक मेरी नोटिफिकेशन वीडियो जल्द से जल्द पहुँची रहे। तो मैं इसी दवा के साथ वीडियो स्टार्ट करूंगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी टाइम नहीं जाया करते, अम्मा जी के पास चलते हैं, अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द पे जल्द अपने भाई को जैसे अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इस तरह अच्छे अच्छे कमेंट करें। जो आप लोगों को चीज़ पसंद है वो हमें बताएं, हम वो आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आएँ अच्छी से अच्छी। तो अभी दोपहर का टाइम है, ये देखें माशाल्लाह धूप निकली हुई है, कितनी कड़क धमकती हुई धूप कितनी तेज़, ये देखें धूप लगी हुई है। तो गर्मियां स्टार्ट हो गई भाई साहब, इतनी को गर्मी लगती है आजकल। तो ऊपर से फ़ैन चल रहा है तो फिर भी पसीना आ रहा है। तो अभी मैं अम्मा जी के पास जाके तो आप लोगों को दोबारा मिलता हूँ। लेट्स गो जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। तो अम्मा जी से मैं पूछता हूँ क्या रेसिपी है, तो आप लोगों के साथ मजेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप? आज मैं आलू वाले पकौड़े बना रही हूं। आलू वाले पकौड़े? हां जी। चले जी, आज अम्मा जी बना रहे हैं आलू वाले पकौड़े, ये देखते हैं किस तरह बनाते हैं अम्मा जी। तो क्या क्या इसमें शामिल होता है तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखें फिर अपने घर में बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगती है हमारी रेसिपी। तो अभी टाइम ज़्यादा करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे जब पकौड़े बनाने के लिए चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। 1 किलो मैंने आलू ले लिए, 1 पाव मैंने बेसन ले लिया है, ये देखिए 2-3 चम्मच मैंने ये ले लिया है, 1 टी स्पून मैंने ये दही ले लिया है, और 3-4 टी स्पून मैंने ये कॉर्नफ्लोर ले लिया है, 1.5 टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने लाल मिर्च ली है, और आधे से भी कम मैंने ये ले लिया अजवाइन, ये मैंने गरम मसाला ले लिया 1/2 टी स्पून जो मैंने घर में तैयार किया था, और 1/2 टी स्पून मैंने दादर मिर्च ले लिया, और 1/2 टी स्पून मैंने चाट मसाला ले लिया, ये भी मैंने घर में तैयार किया था। हम सबसे पहले आलू छील लेंगे, इसके बाद हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी हमने आलू को छील लिया, अब हम आलू किस तरह काटेंगे, ज़्यादा चिप्स काटते हैं ना वैसे काटेंगे। ऐसे करके हम सारे आलू काट लेंगे, फिर हम इसके बाद हम आपको बताते हैं। आलू काट, सारे आलू काट के फिर हम आपको बताते हैं। आलू हमने इतना काट ली है, अब मैं एक बाउल लूँगी और इसके अंदर डालूँगी मैं बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं बेसन के अंदर मिलाऊंगी कॉर्नफ्लोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नमक मैं 1.5 टी स्पून ले लिया था वो इसके अंदर मिला दूंगी, 1/2 टी स्पून मैं लाल मिर्च ले ली थी वो इसके अंदर मिला दूंगी, और मैंने ये थोड़ी सी ये मैंने 1/2 टी स्पून से कम मैंने ये अजवाइन ले लिया है वो इसके अंदर मिला लूँगी, अब इसके अंदर मैं मिला लूँगी ये गर्म मसाला जो मैंने घर में तैयार किया था, 1/2 टी स्पून है ये, 1/2 टी स्पून ये दादर मिर्च मैंने ले ली थी, 1/2 टी स्पून ये चाट मसाला है ये भी मैंने घर में तैयार किया था। इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी पहले, अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये दही जो मैंने लिया है, दही में इनका जायका अच्छा हो जाता है, और कॉर्नफ्लोर मैंने इसलिए डाले इसे क्रिस्पी हो जाते हैं। ये आलू चिप्स पकौड़ा है, ये पालक वाले पकौड़े नहीं है, ये आलू चिप्स पकौड़ा है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आलू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
आलू मिक्स कर लिया आलू और बेसन, मैंने इसलिए पानी ने बेसन में डाला था कि जब जो आलू हुआ खुद का भी पानी छोड़ दिया और मैं वो पानी में भी रखे हुए थे। देखिए पानी डालने के बगैर ही कितना अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इनको 5 मिनट के लिए ज़रा रखेंगे और इसके बाद हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं। कढ़ाई मैंने ऊपर रख लिया, मैंने आयल डाल दिया, अब नीचे चूल्हा जलाऊंगी। जब बाल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके पकौड़े बनाएंगे, इसके अंदर चिप्स पकौड़ा बनाएंगे। देखिए हमारा आयल गर्म हो गया, अब इसके अंदर मैं चिप्स डालूंगी। ये बहुत मजे के चिप्स होते हैं, बड़े अच्छे प्यारे क्रिस्पी चिप्स बनते हैं। ये बनाने भी आसान है और मजे के भी होते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। अब हमको थोड़ा सा पक लेने देंगे, फिर हम सारा साथ देख चलेंगे। आज हमने रखनी है तेज रखनी है, वैसे ज़्यादा तेज नहीं, मीडियम तेज रखनी है, ज़्यादा तेज नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम स्लो आंच में बनाएंगे तो ये ना अच्छे बनिए क्रिस्पी नहीं बनेंगे। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पकौड़ा चिप्स तैयार हो गया। आज मेरी पोतियों ने कहा था कि दादी जी आप बनाए पकौड़ा चिप्स बनाए, अब मैं अपनी पोतियों की फरमाइश पे बना रही हूँ। मेरी छोटी पोती जो है वो तो बिल्कुल मेरी काफ़ी करती है, मैं जाती कहते मैं ये बनाने लगी हूँ, मैं ये बनाने लगी हूँ। देखो हमारे कितने क्रिस्पी और कितने प्यारे हमारे वो पकौड़ा चिप्स तैयार हुआ। मैं और उसके अंदर और मैं चिप्स डालती हूँ बनाने के लिए। मेरे पोतियों को कहते हैं हम अम्मा जी के पास आ गए हैं, अम्मा जी बताएं आज आप क्या बनाने लगे हैं, बहुत शरारतें करते हैं। लेकिन मसाला ये भी तैयार हो गया, हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। देखिए मसाला मतलब कितने प्यारे तैयार हो गए। अब हम इसी तरह चिप्स पकौड़ा बना के फिर हम आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी हमारे चिप्स पकौड़ा कितने प्यारे तैयार हो गए। आप भी मेरे तरीके से आपने घर में बनाएगा और कमेंट करके हमें बताएगा आपको कैसे लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।